You like the chilly winters, or you like the weather now where the winters are less and it's still pleasant, huh? Okay, all those people who liked chilly winters, raise your hand. जिनको वो बहुत ज्यादा वाला ठंड अच्छा लगा था. ओके, मोहम्मद शाहान लाइक दैट, अर्जित लाइक दैट, ओके, आर वी लाइक दैट, ओके. एंड व्हाट अबाउट दिस वेदर, व्हेन यू गेट गुड सनलाइट एंड इट्स बिट ऑफ विंटर, ऑल दिस पीपल नाउ रेज द हैंड फॉर दिस वेदर. ओके, मोहम्मद लाइक्स दिस वन मोर बिकॉज ही इज गिविंग द चिल्लिंग थम्स अप एज वेल. ओके, ध्रुव लाइक्स इट, आर वी सेज आई एम ओके विद बोथ, हाँ, with chili one also and with this one also. Okay, so now the springs will be coming after this. So any favorite flower of yours you have? Spring with flowers up there too. Any favorite flower of yours, and you're waiting or looking forward for that flower to bloom in your garden? Anyone is waiting for any flower to bloom? Ah, okay, who wants to share? कुमकुम, ओके, कुमकुम, कुमकुम अनम्यूट बेटा, आई सेंड यू द प्रॉम्प्ट. आपने अनम्यूट नहीं किया बेटा, आप म्यूट हो अभी भी. सॉरी, आई कांट हियर यू. ओके आद्या, मैम, हमारा मतलब हमारी रोज की कली वो हो रही है रो. ओके, सो रोज, वी आर वेटिंग फॉर द रोज फ्लावर टू ब्लूम. ओके, एनीवन एल्स हैज एनी अदर फेवरेट फ्लावर एंड यू वेटिंग फॉर इट टू ब्लूम इन स्प्रिंग? ओके नवेद, मैम हमारे फ्लावर्स है ना, उसमें 50 फ्लावर्स आए हैं रोज. हाँ, विच प्लांट? रोज. वाओ, सो व्हाट इज द कलर ऑफ द रोज? रेड. ओके, दैट्स नाइस. Even mine favorite is rose, you know. And you'll see so many flowers are becoming, and you'll see marigold in its full bloom. And these days we see salvia red color again, majorly. Are we? मैम सनफ्लावर. Sunflower, wow, nice. So yes, we'll see sunflowers and we'll see the varieties of zebras as well coming in. Wow. So we all are waiting for the spring. Even I love spring so much. When we see all around flowers and flowers, it looks so pretty, huh? Okay, Mohammed Shahan. मैम देखना चाहोगी हमने बताऊं कि आलू बोते हैं हमारी खेती के लिए, देखना. अरे वाह, फिर आपके पोटेटोज आ गए? यस मैम, और मैम बताएगी हम बताऊं कि और भी फ्लावर्स है मेरे पास. मैरी गोल्ड, डेसी. ओके, मैरी गोल्ड नहीं मैम, चाइना रोज और डेसी. चाइना रोज एंड डेजी. यस, चाइना रोज भी अभी ब्लूम होना स्टार्ट हो चुका है. यस, वेरी ट्रू. अर्चित, रोज, वाओ. सो एनी स्पेसिफिक कलर या सारे रोजेस पसंद है आपको? रेड वाला. ओके, यू नो आई आल्सो लाइक येलो रोज अ लॉट, एंड आई आल्सो लाइक अ बिट ऑफ ऑरेंजिश रोज. आई लाइक थ्री रोजेस. आई जस्ट डोंट एडमायर पिंक रोज मच, मतलब मुझे पिंक फ्लावर्स इतने पसंद नहीं, बट मेजरली आई प्रेफर ऑरेंजिश, येलोज एंड रेड्स. दिस गिव यू सो मच एनर्जी, दिस इज व्हाट आई फील. आई डोंट नो अबाउट यू, सो इफ यू हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट योर फेवरेट कलर फॉर फ्लावर्स, यू मे से. यस नावेद, मैम जो हमारी मम्मा है ना, वो ना रोज की लीफ को कलेक्ट कर लेती हैं और उससे स्वीट्स बनाती हैं. ओह यस, वी डू ऐड इट इन स्वीट, सर्टेन चॉकलेट्स आल्सो. यस यस यस, वी डू ऐड देम. मैम, और क्या बेटा? हमारे पास ऑरेंज भी है. ओह वाओ, दैट्स यस नाइस. आर वी वांट टू ऐड समथिंग? मैम, हमारे पास ना टमाटो भी है. मैम ओह, यू हैव टोमेटोज आल्सो, राइट? सो कभी आपने टमेटो को देखा राइप होता हुआ? पहले कौन से कलर का होता है, फिर कौन से कलर का देखा आपने कलर चेंजेस? लाइट ग्रीन कलर का होता है. लाइट ग्रीन, फिर उसके बाद?
रेड होता है, रेड होता है, उससे पहले थोड़ा सा ऑरेंजिश आना शुरू होता है, फिर रेड पे जाता है ना? यस मैम। एंड इट लुक्स सो प्रिटी दो स्मॉल एंड दे इवेंचुअली ग्रो बिगर। या दैट्स नाइस। सो वाओ, यू ऑल हैव सीन गुड, आई मीन यू आर ऑब्जर्विंग प्लांट्स अ लॉट, दैट्स अमेजिंग टू लिसन टू दैट। सो नाउ लेट्स कम टू our class for today. Okay, now for your class today, you need what? You need a sheet or a rough notebook for yourself, and you can also get colors. Okay, any colors you're comfortable with. Yeah, pencil se agar aapko draw karna hai, aap pencil le aaiye, you can get anything. Okay, so quickly grab your stuff and then we begin. Yes, Zainab. Ma'am, can I take any color? Yeah, you can. Okay, Achit, you want to ask something? Ma'am, आपने क्या बताया था अभी? You have to get a sheet या rough notebook. आप जिसमें भी work करना चाहो, draw करना है आपने, okay? Ma'am? And उसके अलावा colors, and if you want to use pencil, it's up to you. Ma'am, क्या draw करना है? वो मैंने नहीं बताया अभी बेटा, वो बताना है अभी। पहले आप सामान कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, सामान लेके आओ। आई विल गिव यू द इंस्ट्रक्शंस इसके बाद। ओके, आर वी गोइंग टू आस्क समथिंग? मैम, पेंसिल कलर यूज कर सकते हैं? योर चॉइस बेटे, एनी कलर। ओके, ऑलराइट, नाउ इफ यू आर रेडी विद योर मटेरियल, शो मी अ थम्स अप सो दैट आई गिव यू द इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट। Quickly show me the thumbs up if you're ready. Okay, Navid is ready. Adha is ready. And Mohammed Shahan is ready. Okay, right, Adha, I can see your sheet. Vedanshi is ready. Yash is ready. Zainab is super ready. Okay, with the jingling thumbs, right? Yash is ready. Great. So now what you have to do is, how or what you feel about yourself. Aap apne aap ko kaise dekhte ho na, usse aapne draw karna hai. कलर नहीं करना, सिर्फ ड्रॉ करना है। तो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है, आपकी मर्जी। आपको डायरेक्टली कलर से ड्रॉ करना है, आपकी मर्जी। वी आर नॉट लुकिंग फॉर द ब्यूटिफिकेशन हियर, ओके? सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। 5 मिनट्स थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आप अपने बारे में क्या फील करते हो, अपने आप को कैसे फील करते हो, एंड जस्ट ड्रॉ इट। ओके, सो ड्रॉ योरसेल्फ टुडे। It can be in any which ways. अगर आपको सिर्फ एक स्माइली जैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, वैसे भी कर सकते हो। कोई आपको कोई शेप या फिगर से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, यू आर फ्री टू डू दैट। या आपको अपना कोई पोर्ट्रेट बनाना है, लाइक फेस बनाकर आईज वगैरह कैसी हो आपकी, वैसे बनाना है, आप वैसे बना सकते हो। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट। यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ एज अ फिगर, or you want to represent yourself as a human face, या फिर आप किसी किसी plant से अपने आप को represent करना चाहते हो, किसी भी चीज से करना चाहते हो, it's completely up to you, okay? So draw yourself today, and you have 5 minutes for it. So the time is 1:41, by 1:46 we'll stop. तो coloring पे focus नहीं करना हमने, सिर्फ drawing पे करना है। सिर्फ ड्रॉ कर दीजिए, पेंसिल से, पेंसिल कलर से, क्रेयॉन से, स्केच कलर से, आपकी मर्जी। यस प्रियांशी। मैम क्या करना है? हमने अभी अभी ज्वाइन करा था, नेटवर्क इशू हो रहा है। यू हैव टू ड्रॉ योरसेल्फ। मैम हम कुछ भी कर सकते हैं ड्रॉ? यू हैव टू ड्रॉ योरसेल्फ। आप अपने आप को कैसे देखते हो वो ड्रॉ करना है। ओके, ये सभी मैम अपने आप को, मतलब मैम अपनी ड्राइंग बनानी है। यस मैम, ड्राइंग की नोटबुक में बनाना है। बेटे आपने जो भी नोटबुक यूज करते हैं आप वो यूज कर सकते हो, रफ नोटबुक यूज कर सकते हो, शीट यूज कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। Your choice, Pita. Are we? Ma'am, हम स्माइली से बना सकते हैं, जैसे कि बीच में ये अपने थोड़े से फेस बना दिया, उसके साइड में कि ऐसे ये।
ऐसे रहते हैं एनीथिंग. यू कैन ऑल्सो शो योर सेल्फ एज योर ओन सुपर हीरो. यू कैन ड्रॉ योर सेल्फ इन एनी विच वेज. जस्ट एक्सक्यूज मी, आई विल बी बैक. जस्ट कंप्लीट. So if you want to see yourself as some Spider-Man types, yeah, for, a person like a fairy, you can draw anything, how and what you feel about yourself, because you have to draw. Okay, so another 2 minutes. Okay, Muhammad Chahan has done it. I can see somewhat like a sun. A smiling sun is what he has made himself. Or flower. It's a flower, okay. It's a sunflower. Yes, Muhammad Chahan. Ma'am, batao ki kya? Jo ye batao. Ab hum iska bata rahe, iska matlab kya hai? Yeah. Batao ki sun jaisa dikhta. सन की तरह, सन की तरह चमकता, सन की तरह अच्छा दिखता हूँ, सन की तरह अच्छा दिखता हूँ, फिर फ्लावर की तरह सॉफ्ट दिखता हूँ, सब पे केयर करता हूँ, और स्माइल, और मैं खुश हूँ. ऑल राइट, ग्रेट. Thank you, ma'am. Pritika? Ma'am, हम ना खाना खा रहे थे तो हमने थोड़ी सी late class join करी है. आप बता दीजिए क्या कर रहे आ रही हैं आप? Okay, you had to draw yourself. आप अपने आप को कैसे देखते हो? आपको draw करना है. Okay, ma'am. It can be any, shape. कोई shape से आप associate करते हो, fairy से करते हो, flower, sun, anything. जिससे भी you associate. Okay. Now the second task. Okay, we still have 1 more minute before I tell you that. Yes, Mama. Mama, Hanji. Mama, हम अपने पीछे कोई सा भी background लगा सकते हैं, जैसे मैं पर्दा. हाँ जी. ओके मैम, बट फोकस आप हो बेटा, फोकस आप करिए. मुझे बैकग्राउंड में नहीं, आपको आपको अपने आप को बनाना है. वेदांशी, मैम जैसे सनफ्लावर. ओके, यू मेड इट. ऑल राइट. I'm sorry, just unmute with Anshu. Ma'am, just sunflower jaise happy hota hai. So ma'am, waisi main bhi happy rehti hu. Okay. Naveed. Ma'am, hum aapko apni picture dikhana chahte the. Hum na apne aap ko ke hum na apne aap ko स्मार्ट समझते हैं और केयरिंग समझते हैं. ओके, नाइस. राइट, नाउ पीपल, पार्ट टू ऑफ द एक्टिविटी. अब आप सोचो, ये जो भी आपने ड्राइंग अपने लिए बनाई है ना, ये आपकी रिफ्लेक्शन है. रिफ्लेक्शन का मतलब पता है आपको? जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो ना, तो जो मिरर में आप अपने आप को देखते हो, जो आप अपना इमेज देखते हो मिरर में, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब इमेजिन करो कि ये जो पिक्चर आपने बनाई है, ये आपकी रिफ्लेक्शन है और ये आपको कुछ कहना चाहती है. तो
सोचो ये रिफ्लेक्शन आपको क्या 5 बातें बोलेगी और उन्हें लिखो. What this reflection will say to you, write 5 lines or 5 statements. Imagine करो क्या बोलेगी ये आपको आपके बारे में, about you. What your reflection will say to you about you. Think of 5 lines and write. Okay, if anyone has a doubt, you may raise the hand. But if you've done the work and which is why you're raising, then I request you to lower it, okay? So that I know if there is anyone with doubt. Okay, Arav, you want to ask something? Yes, Arav. मैम हमने रोज बनाया है. ओके मैम, क्योंकि जब हम छत पे जाते हैं तो जो सन होती है उसकी रेज हमारे फेस पे पड़ती है तो हमारा फेस बिल्कुल रेड हो जाता है रोज की तरह. और हमारी मॉम बोलती है कि तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, तो मॉम ये भी बोलती है कि तुम्हारे अंदर मेरे अंदर से वो भी आती है फ्रेगनेस. Okay. Wow. That's nice. So now write 5 lines. Okay. What this reflection of yours is going to say you about you. And once you've done, just so think about the 5 statements or the 5 lines your reflection will say to you. And just write it. Last 1 minute if you're still doing it. Arvi, want to ask something? Ma'am, I've made myself. ओके आरवी, अब 5 स्टेटमेंट्स लिखो बेटा आगे की. मैम क्या लिखना है? ये रिफ्लेक्शन आपकी आपको आपके बारे में क्या कहेगी, तो 5 लाइंस लिखनी है आपको. ओके मैम, या मैम इसको कलर भी करना है फिर ऐसे ही चलेगा? नो, लाइक दिस ओनली. अभी मैम मेरे पास ही आ गया, फिर ओके. अभी यू हैव टू राइट 5 स्टेटमेंट्स बेटे, सो क्विकली राइट द स्टेटमेंट्स. वेदांशी, यू हैव डन? यस मैम. मैम मैंने सनफ्लावर बनाया, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटीज बताऊंगी. आपने क्वालिटीज सनफ्लावर आपको जो बताएगा आप वो बताओगे, ठीक है? So remember, sunflower is saying this, your reflection. Yeah. Ma'am, smile. Ma'am, जैसे sunflower smile करता है हमेशा, हमें feel होता है कि sunflower. No. The sunflower is saying this. Please remember, आप नहीं बोल रहे, sunflower बोल रहा है. तो sunflower आपको क्या बोलेगा? Ma'am, Vedanshi, I really like the way you smile. It appears like, हाँ तो sunflower बोल रहा है, तो sunflower की language में लिखो अपने लिए, तो वो आपको वेदना. Right, now let's understand this. What you have to write is, for example, अगर मेरी reflection मुझसे कुछ बोलेगी तो वो मुझे मेरे नाम से address करेगी ना. कृतिका, I really like
I really like the confidence with which you express yourself. I really like the input you give to your task. You're giving 100% in every task that you do. तो मेरे रिफ्लेक्शन मुझसे ऐसे बात करेगी ना, या वो मुझे कहेगी आई रियली डोंट लाइक इट व्हेन एट टाइम्स यू गेट एंग्री, आई थिंक यू शुड मैनेज योर एंगर लिटिल मोर सो दैट यू बिकम अ ब्यूटीफुल पर्सन एट हार्ट फर्दर, है ना? वो मुझसे ऐसे बोलेगी ना, तो ऐसे बात करते हुए लिखो. और आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि आपको मुझे नहीं बताना. ओके, यू डोंट हैव टू टेल इट टू एनीबॉडी हियर, यू आर राइटिंग इट फॉर योरसेल्फ. So write it. What comes to your mind about yourself that your reflection will say? It can be any good thing. It can be any bad thing. Anything. Okay, Kritika. Ma'am, हमने ये बनाया है. Okay. Ma'am, हमने यहाँ पे एक heart बनाया है और यहाँ पे लिखा है lovely, happy, beautiful, caring, and kind. Okay, so this is what your reflection will say you. All right, Janisha, you want to ask something? मैम, हमारा रिफ्लेक्शन हमसे बोलता है कि एक अच्छा इंसान बनो, अगर हम अच्छा इंसान नहीं बनेंगे तो फिर हम कुछ नहीं बन पाएंगे. एक अच्छा इंसान बनो, कामयाब बनो, दूसरों की हेल्प करो, समय पे अपना काम करो. ओके, नाइस. सो नाउ आफ्टर डूइंग दिस, आपके रिफ्लेक्शन ने जब आपको कोई मैसेज दिया, अब उस मैसेज को थोड़ा सा फील करो और मुझे बताओ कि वो जो मैसेज है आपके बारे में, वो आपको सुनकर कैसा फील हुआ? हाउ डिड यू फील आफ्टर योर रिफ्लेक्शन गिव यू द मैसेज? क्योंकि मैसेज आपको पता है, आप मुझे तो नहीं पता है ना, आपको पता है. तो जब आपकी रिफ्लेक्शन आपसे बात कर रही है, आपको बता रही है आपके बारे में, तो आपको कैसा फील हो रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? शेयर योर फीलिंग राइट नाउ. ओके, नवीन. मैम, हमने 3 लिखे, हम बता सकते हैं? नहीं, आप अपनी फीलिंग बताइए मुझे. ओके मैम. आपको कैसा फील हो रहा है जब आपकी रिफ्लेक्शन ने आपको बताया है कुछ आपके बारे में, तो हाउ डू यू फील? अनम्यूट करो बेटा, यू म्यूटेड. मैम, हमें गंदा फील हो रहा है क्योंकि कमियां बता रहा है, क्योंकि वो आपको आपकी कमियां बता रहा है. ओके, ग्रेट नावेद, आई एम हैप्पी यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट. कृतिका. मैम, हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है. ओके, एंड व्हाई सो? मैम, क्योंकि हमने बहुत अच्छी सी ड्राइंग बनाई है और सब कुछ अच्छा है. नहीं, मैंने आपसे कहा था आपकी रिफ्लेक्शन जब आपको बोल रही है तो आपको कैसा फील हो रहा है. मैम, बहुत अच्छा हो रहा है. क्यों? मैम, क्योंकि हमारे रिफ्लेक्शन में सब कुछ अच्छा है. ओके, बिकॉज उसने आपकी सारी बेस्ट क्वालिटीज बताई. ग्रेट. ओके, मोहम्मद चौहान. मैम, हम अपने अपने बारे में बताऊं कि फील कैसे करेंगे, सुन लो. आई फील आई एम स्मार्ट, आई एम हार्ड वर्कर एंड होनेस्ट. नो नो मोहम्मद चांद, आपको नहीं बताना, आपकी रिफ्लेक्शन आपको बता रही है तो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन ये है. रिफ्लेक्शन की बात सुनकर आपको कैसा लगा, वो फीलिंग बतानी है. ओके, यू आर नॉट टॉकिंग, योर रिफ्लेक्शन हैज टॉक्ड टू यू एंड नाउ हाउ डू यू फील आफ्टर लिसनिंग टू इट? Okay, Priyanshi? Yes, ma'am. Yeah, so how do you feel after listening to your reflection? Ma'am, हमें अच्छा लग रहा है. Okay, that's nice. वो क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि हमारी reflection हमें कह रही है हम happy है, हम friendly है, हम honest और kind है. क्योंकि
क्योंकि वो आपको आपकी क्वालिटीज आपकी स्ट्रेंथ बता रही है. ओके मैम, हमने सॉरी मैम, मैम हमने अपनी ड्राइंग बना ली. ओके ग्रेट. आद्या मैम, हमें अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हमारा जो रिफ्लेक्शन है उसमें सब कुछ अच्छा है. ओके मैम, स्मार्ट इंटेलिजेंट काइंड हैप्पी ब्यूटीफुल. ओके वेदांशी. यस मैम. मैम फीलिंग गुड एंड रिस्पांसिबल. ओके सो ओके पहले फिर दिया शन अर्चित. अर्चित मैम मुझे अच्छा लगा. क्यों अच्छा लगा? मैम क्योंकि मेरी रिफ्लेक्शन ने बोला मुझे कि तुम होनेस्ट हो और तुम हेल्पफुल हो और तुम अपना काम टाइम पर करते हो. ओके तो उसने आपकी क्वालिटीज बताई विच इज व्हाई योर स्ट्रेंथ्स. सॉरी जस्ट अनम्यूट अगेन. यू मेड व्हाट? मैम हमने अपनी फोटो भी बनाई है. ओके नाइस क्यूट पिक्चर. यस यस मैम. यस मैम, हमारी रिफ्लेक्शन ने कहा है कि हम बहुत केयरिंग करते हैं. आपको कैसा लगा बेटा जब रिफ्लेक्शन ने मैसेज दिया? मैम हम आपको बहुत अच्छा लगा. को अच्छा लगा राइट? क्योंकि मैम हम अपने मैम हम अपने पेरेंट्स की बहुत केयरिंग करते हैं और मैम हम सबसे लविंग से रहते हैं. उन हम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है और मैम हम बहुत अच्छे भी हैं. ओके सो यू नो दिस एक्टिविटी दैट यू डिड, इसमें आपने क्या किया? इसने आपने ये सिखा या ये दिखाया कि आप अपने बारे में क्या फील करते हो, है ना? तो काफी लोगों को अच्छा फील हुआ अपने बारे में, तो हमने वो रिप्रेजेंट किया. जिन्हें जिन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव अपने बारे में बोला उन्हें थोड़ा सा बैड फील हुआ. तो ये जो चीज है ना कि हम अपने आप को कैसा फील करते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल्फ एस्टीम. ओके सो टुडे व्हाट वी आर लर्निंग इज वी आर लर्निंग अबाउट सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि हम अपने बारे में कैसा फील करते हैं. तो जब आपने ये पिक्चर बनाई अपने लिए, दिस इज व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ. तो अगर उसमें लेट्स से जब आपने उसमें बहुत सारी चीजें अपने बारे में पॉजिटिव बोली तो यानी आप अपने बारे में अच्छा फील करते हो, और जब आपकी नेगेटिव चीजें ज्यादा आई तो यानी आप अपने बारे में बैड फील करते हो. तो अब ये सोचो कि जब आप अपने बारे में अच्छा फील करते हो तो ये आप पर कैसे असर करता है? हाउ डज इट अफेक्ट यू व्हेन यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ? कैसे वो आप पे इफेक्ट लाता है या क्या असर लाता है वो आप पर? कैन यू थिंक ऑफ इट? Anyone who would like to think? Okay, Mohammed Shoaib. तो जब आप अपने बारे में अच्छा फील करते हो तो आप पर कैसे इफेक्ट करता है ये? मैम हम बहुत हैप्पी होते हैं और हम बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं. What's your name, child? This is grade 5A signed in. आपका नेम क्या है? ओके सो डेफिनेटली हम अपने बारे में बहुत हैप्पी फील करते हैं, और जब हम अपने बारे में हैप्पी फील करते हैं तो क्या होता है सोचो, हाउ इट अफेक्ट्स अस फर्दर. कुमकुम मैम एक और बार आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? जब हम अपने बारे में हैप्पी फील करते हैं तो ये हम पर क्या असर लाता है या कैसे अफेक्ट होता है हम पे? मैम हम बहुत हैप्पी होते हैं और मैम हमें ऐसा लगता है कि हम्म
कैसा लगता है बेटा? मैम हमें बहुत अच्छा लगता है। ओके अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंट फील करते हो? यस मैम। राइट सो यस, जब हम अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, हम हैप्पी होते हैं, तो डेफिनेटली हम कॉन्फिडेंट होते हैं। और क्या होता है? ओके आरवी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके मैं आई हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन कि जब हम अपने बारे में अच्छा फील करते हैं तो हमारे पर कैसे इफेक्ट करता है? और वो बोलती जो मैम मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा था आपके रिफ्लेक्शन ने जब आपको कुछ बोला आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये आप पर कैसे इफेक्ट करेगा जब आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे? तो मैम अच्छा ही। अच्छा ही का मतलब बेटा थिंक जैसे मैम रिफ्लेक्शन मुझसे बोलती है कि अब वो मुझे हैप्पी बताती है, तो मैं जब हैप्पी हूँ तो कोई ना कोई चीज पे मेरा थोड़ी देर बाद मूड ऑफ हो जाता है। तो फिर रिफ्लेक्शन कहती है कि ये देखो आपका मूड ऑफ क्यों हो जाता है ना? तो अगर आप ये देखो, हमारी रिफ्लेक्शन ने जब हमें अच्छी बातें बोली तो हमें अच्छा लगा, जब हमारी रिफ्लेक्शन हमारे बारे में हमें कोई बैड बात बोलेगी तो हमें बुरा लगेगा, है ना? तो जब हम अच्छी बात सुनते हैं, अच्छा अपने बारे में फील करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाता है, हमें अंदर से लगता है ना हम थोड़े से स्ट्रांग हैं, हम अपने पे विश्वास करते हैं, हम कोई भी काम करने को तैयार होते हैं, एनर्जी फील करते हैं अपने अंदर एक। बट दूसरी साइड अगर हम अपने बारे में बैड फील करते हैं तो क्या होगा? तो क्या हम कॉन्फिडेंट होंगे? गिव मी अ थम्स अप फॉर यस एंड नो फॉर इफ यू वोंट बी। हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, अपने पे विश्वास करेंगे यस और नो? तो हम अपने पे विश्वास नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। तो यानी कि अगर मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, अगर मुझे आगे बढ़ना है, स्ट्रांग बनना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? अपने बारे में अच्छा फील करना चाहिए। तो जब मैं अपने बारे में अच्छा फील करती हूँ तो मेरा सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, और जब मैं अपने बारे में बैड फील करती हूँ मेरा सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है। राइट तो अब सोचो, अगर मुझे कोई भी चैलेंज फेस करना है, ठीक है, कोई भी मुश्किल सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मेरा सेल्फ एस्टीम कैसा होना चाहिए? हाई या लो? कैसा होना चाहिए? ओके ज़ैनब सेज हाई, व्हाट अबाउट अदर्स? कुमकुम सेज हाई। ओके सोचो आप हैप्पी हो, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो सेल्फ एस्टीम बढ़ रहा है ना? तो यानी अगर सेल्फ एस्टीम मेरा हाई है, मैं अपने बारे में अच्छा फील करती हूँ, तो मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, मैं किसी भी चैलेंज को फेस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने पे विश्वास है। बट अगर मेरा सेल्फ एस्टीम लो है, मैं अपने बारे में बैड फील करती हूँ, तो मैं एक्शन ही नहीं लूंगी ना, क्योंकि मैं तो अपने में बुराइयां निकालती रहूंगी, है ना? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा सेल्फ एस्टीम हाई हो। अब सोचो आप अपना सेल्फ एस्टीम कैसे हाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो अपने सेल्फ एस्टीम को हाई करने के लिए, यानी कि अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए, कि हम हमेशा अपने बारे में अच्छा फील करें ताकि हम और कॉन्फिडेंट बन सके। तो क्या करोगे? कैन एनीवन थिंक? अभी अनम्यूट। हाउ टू रेज आवर सेल्फ एस्टीम, हम क्या कर सकते हैं अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए? मैम सबसे पहले हमें अच्छा अच्छा सोचना चाहिए कि अगर हम एग्जाम में चीटिंग भी नहीं करेंगे तो हम पकड़े भी नहीं जाएंगे ना हम फेल होंगे। और मैम हमें गंदी बातें नहीं करनी चाहिए, अगर गंदी बातें करेंगे लोग ना हमारे साथ खेलेंगे, और मैम हमारा जो कॉन्फिडेंस होएगा मैम वो लो होता जाएगा मैम। यस
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट ही सेड विज कि हमें अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए, यानी सबसे पहले हमें अपनी सोच पे काम करना चाहिए, है ना। अपने आप को मैं नहीं कर सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो बस ऐसी ही हूँ, नो, ये आपका सेल्फ एस्टीम लो करेगी, राइट। आई हैव सीन योर पिक्चर अभी, ओके, बट एट द सेम टाइम अगर मुझे उसे बढ़ाना है तो मुझे अपनी सोच पे वर्क करना है। दूसरा, एज ही सेड कि एग्जाम्स हैं तो मुझे अपने आप करना है ना, चीटिंग नहीं करना है। तो चीटिंग नहीं करने से क्या होगा, आपको वो चीज तो आएगी नहीं, तो आप कॉन्फिडेंट तो कभी नहीं होंगे। बट अगर मिस्टेक करोगे या वो आंसर नहीं आता होगा, चीटिंग नहीं करोगे, तो एटलीस्ट आकर लर्न करोगे, तो उससे क्या होगा, वो चीज आपको आ जाएगी। तो इसको अगर मैं इन वर्ड्स डालूं तो इट मीन्स व्हाट, दैट आई शुड नॉट बी स्केयर्ड, मुझे डरना नहीं, घबराना नहीं है। कोई चीज नहीं आती तो वो सीख सकते हैं हम, तो हमेशा लाइफ में ये याद रखना है कि ठीक है नहीं आता पर मैं सीखना चाहती हूँ या मैं ट्राई करना चाहती हूँ, तो डर कर घबरा कर नहीं बैठ जाना, राइट। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑफ कोर्स हमारा बिहेवियर भी मैटर करता है, क्योंकि अगर हम कोई गलत बात करेंगे, कोई हमें बार बार बोले ये तो गंदा बच्चा है, इसको तो मैनर्स नहीं है, तो हम अपने बारे में भी तो वही सोचेंगे ना, तो सेल्फ एस्टीम तो कम होगी। सो यस, यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट योर बिहेवियर, हाउ यू आर बिहेविंग विद समबडी, ओके, एंड इवन विद योरसेल्फ। आपको अपने साथ भी रूड नहीं होना, क्योंकि आप अगर अपने आप से रूड हो तो आपके रिफ्लेक्शन को तो वो याद है ना, तो वो भी तो सेल्फ एस्टीम कम करेगा, राइट। तो हमें अपने साथ भी रूड नहीं होना, ओके। और कुछ कर सकते हैं हम अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए? कैन एनी वन थिंक? आध्या, यू वॉन्ट टू ट्राई? मैम क्या सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ा सकते हैं हम अपना? मैम जैसे कि हमें अपना काम, मैम जैसे हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, हमें अपनी गंदी बात नहीं सोचनी चाहिए, और हमें मतलब अपना कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस मैम हमें अपना वही मतलब बढ़ाना चाहिए, और हमें अपनी गंदी गंदी बातें नहीं सोचनी चाहिए कि मैं वैसा हूँ, राइट। तो हमें अपने थॉट्स पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बारे में बुरा ना सोचें, और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अच्छी से अपना काम करना चाहिए, यानी कि आपने जो चीज सोची है आपको ये काम इतनी देर में फिनिश करना है, टाइम मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब आप वो टास्क फिनिश कर लेते हो तो आपको ब्रेन को याद हो जाता है कि मैंने ये काम जल्दी फिनिश किया या ऑन टाइम फिनिश किया, तो वो हैप्पी हो जाता है, तो वो हैप्पीनेस आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ाते हैं। बट अगर आप काम फिनिश नहीं कर पाते तो आप सैड फील होते हो, तो यानी आपकी सेल्फ एस्टीम कम हो गई। सो लर्न टू मैनेज योर टाइम, जो काम आप कर रहे हो उस पर फोकस करो, उसे फिनिश करो। सो द मोमेंट यू फिनिश योर टास्क, डेफिनेटली यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एस्टीम, बिकॉज योर ब्रेन रिमेम्बर्स इट कि आपने वो काम अकम्प्लिश किया था, ओके। प्रीतिका, यू वॉन्ट टू ऐड समथिंग? यस मैम। मैम हमें अपना काम तो टाइम से करना ही चाहिए, एंड अपने सोच पे भी ध्यान देना चाहिए, एंड मैम हमें हमेशा पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं देखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा, एंड हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। मे बी अगर लेट्स से हम हैप्पी नहीं भी रह पाते, बिकॉज कोई सैड सिचुएशन है तो उसमें तो मैं हैप्पी नहीं हो सकती ना, राइट। बट लेट्स से अगर मैं सैड हूँ तो आई नो आई एम सैड ओवर अ सिचुएशन, ओके। Yes. So knowing your emotions is very important. How you are feeling in a situation. Okay. And as she said, looking at the bright side. ठीक है, problem आता है, negative हम हो जाते हैं, but उसके positive side भी देखो कि कैसे वो आपको help कर रहा है. So उससे आपकी self-esteem बढ़ती जाएगी. अगर आप सिर्फ negative को पकड़ के stuck करके बैठ जाओगे अपने साथ, तो yes, it's a problem. From it, आप किसी की अगर help करते हो, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। सो हेल्पिंग समबडी, वॉलंटियरिंग कि मैं ये काम करूं, मैं वो काम करूं, इज इम्पॉर्टेंट। आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो इम्पॉर्टेंट है बहुत। तो अपनी गुड क्वालिटीज पता करना, उन पर वर्क करना आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है। हर चीज को ट्राई करना, ये सोच के नहीं बैठ जाना नहीं होगा, और एक बार अगर काम नहीं भी होता तो वो काम क्यों नहीं हुआ, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन व्हाई यू फेल्ड।
don't say yourself that I am a failure. No, you could not complete the task. आप टास्क नहीं कर पाए थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो. ओके, तो अपने मिस्टेक से लर्न करना. जब आप अपने मिस्टेक से लर्न करते हो और आगे बढ़ते हो, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है. ओके, नाउ आई वांट यू टू थिंक इफ यू हैव एनी सिचुएशन जब आपकी सेल्फ एस्टीम हाई थी या लो थी. आप कोई भी सिचुएशन शेयर कर सकते हो. एंड हाउ डिड यू फील, या फिर आप कैसे डील कर सकते थे अगर लो थी तो. इफ एनीवन वांट्स टू शेयर. Okay, Kumkum wants to share. Ma'am, जैसे हम example देते हैं, ma'am जैसे हमने math की class ली थी, तो ma'am उसमें हमारी ma'am ने हमारी writing की तारीफ की, तो ma'am हमें अच्छा लगा. ma'am हम सब में ही writing अच्छी बनाते हैं, पर ma'am math वाली ma'am ने हमारी तारीफ करी, तो ma'am हमें अच्छा लगा. Right, great. हम सोच रहे थे कि हम उससे और अच्छी राइटिंग बनाए. सो देखो, आप मोटिवेट हो गए ना और अच्छा करने के लिए. तो यानी आपकी सेल्फ एस्टीम हाई हुई, तो आपने एक्शन भी लिया उस डायरेक्शन में. मैम आपने हमारे ये मैम हम ब्यूटीफुल है, केयरफुल है, एंड मैम काइंड एंड लवली है. ओके, ग्रेट. ऑलराइट, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर अ सिचुएशन? Pithika wants to share, okay. मैम, हम हैप्पी तब होते हैं जब हमें किसी से तारीफ मिलती है, तो हम ये करते हैं कि हम और भी अच्छा करें उससे. एंड मैम हमारा लो तब होता है जब हमें डांट पड़ती है. हाँ, तो सोचो जब हम अपनी खुद की तारीफ कभी नहीं करते तो हमें कैसा फील होता होगा. आज जब आपने अपने बारे में सबने अच्छी चीज लिखी, आपकी सेल्फ एस्टीम ऊपर हुई ना. Yes, ma'am. और यही अगर आपकी रिफ्लेक्शन ने आपको बोला कुछ गलत, तो थोड़ी सी लो भी हुई. तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ दूसरों से ही नहीं तारीफ देखो, अपनी तारीफ खुद भी करनी सीखो. ओके मैम. राइट. यस. ओके आद्या. मैम हम ये कह रहे थे कि जैसे कि कोई हमारी तारीफ करते तो हम हैप्पी होते हैं, तो मैम हम तब सैड होते हैं तब कोई हमें डांटता है, कोई हमें मारता है. राइट. और मैम हम आपको कुछ दिखाना भी चाहते हैं. मैम 2 मिनट. मैम हमने अपनी तस्वीर बनाई थी. मैम हम स्मार्ट, इंटेलिजेंट है, काइंड है, हैप्पी है, ब्यूटीफुल है, और मैम हम लवली भी है. ओके, नाइस. राइट, सो पीपल. ओके, या You raising your hand, want to share something? Yes, ma'am. Ma'am, yes. मैं जानना चाहती थी happy और sad के बारे में. Okay. जब होते हैं, जब अगर हमारी या हमारे friend की या किसी या हमें तारीफ या कुछ शाबाशी मिलती है तो हम happy हो जाते हैं. लेकिन अगर हम sad जब होते हैं, जब अगर किसी और की रात पड़ी, हमारी रात पड़ी हो, ऐसे हम सैड हो जाते हैं. डेफिनेटली. तो यानी बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना कि हम अपने बारे में कैसा फील करते हैं. तो अगर हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट पर्सन बनाना है, अपने पर विश्वास करना है, और मुश्किल का सामना करने वाला बनाना है अपने आप को, तो हमें अपने बारे में अच्छा फील करना बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके, सो आवर सेल्फ एस्टीम शुड बी हाई. नाउ व्हाट वी हैव लर्न्ड टुडे, आई विल जस्ट क्विकली समराइज थ्रू अ वीडियो as a recap so that you understand ki humne aaj kya sikha. And while I share the video, I have written your homework in the chat. Aap apni book ka page number 16 read kariyega aur ek question answer kariyega apne paas. Write 5 things jiske liye aap, I mean, which you feel are awesome in you. Okay, so I just share the video. Small video. How do you feel about yourself? I know, that's a weird question. And right now, you were asking, why are you asking me a weird question?
Let me tell you why. Self-esteem. What? Of how we feel about ourselves. And what are five things you can do to feel awesome about being you? These are great questions. And on this episode of Rocket Kids, we explore those questions. I'm Vivian, and let's get this started. What is all this self-esteem stuff? Let me put it this way. When we have high self-esteem, we feel good about who we are. You are one super awesome person. We are proud of what we can do. I love the way you handled that. Giving myself a pat on the back. We believe that we can do it, even if we don't succeed at first, because this little bump in the road is just that, a bump. We can see our own good qualities and accept ourselves. Even if we make mistakes, because everybody makes mistakes. Everybody? Yep, everybody. When we have low self-esteem, it's like the exact opposite of that. In this zone, we may think we aren't as good as others. We may think about the times we don't succeed or make mistakes, rather than the time we do well. We may be hard on ourselves and give up easily. I know, this is kind of a sad zone to be in, but there is hope. There is that other zone, the back padding zone. So let's go back there. Yeah, that feels so good. Here are five things we can do to have better self-esteem, or as I say, to feel awesome about being you. Number five, try your best. You can feel awesome about yourself when you give something a really, really good try. Do your best at whatever you do, and your self-esteem is sure to grow. Number four, pitch in. Do nice things that help others get things done. Like our parents, we can help with meals and keeping the house clean. We can get involved at school or volunteer in your community. Everybody needs a little help. Pitching in helps us realize that we can make a difference. Number three, turn that I can't into I can. When you are faced with something new, do you say to yourself, this is too hard, I'm not good at this? Change the way you think about trying new things, and instead say, I will give this a great try. I can handle this, and I can do it. Start saying, I can, and you will be amazed at how this will help grow your self-esteem. Number two, practice the things you do well. Practice, practice, practice. They say practice and patience makes perfect, and that's true. We have to keep doing the things we love to get better. And it takes time. Find a way to schedule time and practice. When we see our progress and become really great at something, our self-esteem becomes really great too. And number one on the list of five things you can do to feel awesome about who you are. Make a list of the stuff you are good at. Yeah, a list. It can be anything from drawing to dance. Maybe it's a sport or a hobby. It can be anything. If you're good at it, put it on the list. Sit down with your family and build this list together. It's fun. I like this one because it really helps us to think about the things we are good at. And that's where it all starts. What are things you do to build your self-esteem? What are you good at and what are you doing to get better? Let us know by commenting on this video. We would love to hear from you. Right, so that was the video and that summarizes all. So start working on yourself and see how you feel and raise your self-esteem. Okay, because aap kaise apne aap pe feel karoge, apne baare mein feel karoge, waise hi aap aage life mein grow karoge. So it's very important to feel good about yourself if you really want to become confident person in life. Okay, see you all. Have a wonderful day. Bye.